Good evening, everyone. Good evening. Please. Good evening, everyone. Please let me know audio video. Is it clear? ओके गुड इवनिंग. ओके ऑल क्लियर. चलिए स्टार्ट करें. एनी डाउट इन प्रीवियस सेशन? एनी डाउट? गुड इवनिंग जया मैम, कैसे हैं? बहुत टाइम के बाद. चलिए तो हाउ इज योर प्रिपरेशन? ओके सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है 2022 शिफ्ट वन. ठीक है, कल हमने शिफ्ट टू के क्वेश्चन कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व शिफ्ट टू, शिफ्ट वन. देखिए इसको ट्राई करिएगा. Let n denote the positive integer. Suppose the function is defined, then what does the this function will find? ठीक है, क्या find करेगा? And denote the positive integer. Fn is such that seal value of n by 2 plus 1. ठीक है, n by 2 plus 1. F25 का रिजल्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो. F ऑफ 25 कैलकुलेट करिए. अच्छा चलिए छोड़िए सारा कुछ. व्हाट विल बी द आंसर? देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है. सिंपली हेयर यू हैव एफ ऑफ एन बाय टू. ठीक है, एन बाय टू कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है? फ्लोर फंक्शन आपको अप्लाई करना है. ठीक है, सो व्हेन यू विल अप्लाई द फ्लोर वैल्यू एंड डिनोट द पॉजिटिव इंटीजर एंड यू विल अप्लाई द फ्लोर वैल्यू, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 25 बाय 2. ठीक है, और इसको कर देना है प्लस वन. हाँ जी देखिए n बाय टू. ठीक है, n बाय टू
दैट इज 20/2, ठीक है, 12/, यहाँ आपका वैल्यू क्या पास होगा, वैल्यू क्या पास होगा, 20n/2 वैल्यू आप यहाँ पर पास कर रहे हो, ना कि 25 पास कर रहे हो. सो व्हेन यू विल पास 12, ठीक है, सो इट शुड गिव यू द n/2+1, बट सील वैल्यू इज नॉट गिवन. चलिए इसको देखती हूँ मैं, इसका एक ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन 4 मिसिंग है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है. चलिए मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करिए. गिवन एन FFT, वी हैव ब्लैंक स्पेस टाइम प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग द टू पॉलिनोमियल AX एंड BX ऑफ डिग्री बाउंड एंड वेयर इनपुट एंड आउटपुट रिप्रेजेंटेशन आर कोफिशियंट फॉर्म अज्यूमिंग एन इज अ पावर ऑफ टू. आपको डायरेक्टली, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल की कॉम्प्लेक्सिटी बताना है. थ्री, इट विल बी एक्सपोनेंशियल और n log 2n, ठीक है, कल ही बताया था ना, FFT में जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log 2n होती है. कल हमने एक, देखिए, मैच द टेबल भी सॉल्व किया था, ठीक है, उस मैच द टेबल में आपको ये कॉम्प्लेक्सिटीज हमने डिस्कस की थी. अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, हाँ, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिसिंग है. मैं आपको आंसर बताती हूँ कि एक्चुअली करना क्या है. सो हियर वी हैव टू फाइंड, ठीक है, व्हाट डज द F25 एंड व्हाट डज दिस फंक्शन विल फाइंड. सो बेसिकली इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, आप देख पा रहे हो, रिकर्सिव डेफिनेशन है. तो आप पास क्या करोगे, एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ 25, इट विल बिकम 25/2. सो ये चीज आपका क्या हो जाएगा भाई, इन्होंने लगाया है फ्लोर फंक्शन, तो फ्लोर फंक्शन से वैल्यू आपकी बन जाएगी, देखिए 25+1. नाउ इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, सिंस एन इज ग्रेटर देन वन, एन इज ग्रेटर देन वन है, तो अगेन आप इसको कॉल करोगे फॉर 12, है ना, फॉर 12. सो फॉर F12, ठीक है, F12 आपका क्या बनेगा, देखिए 25 इज ग्रेटर देन वन, सो हम रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फॉर F12. F12 से अगेन 12 इज ग्रेटर देन 1, तो ये रिकर्सिवली कॉल होगा, ठीक है, यहाँ +1 लिखते जाइए. सो इट विल बी F6, F6 इज अगेन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, तो आप किसको कॉल करोगे, ठीक है, अगेन यू विल कॉल F6/2, दैट इज 3, F3. 3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 1, सो वी विल कॉल F1, है ना. और F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू है 0, F1 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है. तो अब आप क्या करोगे, इट विल रिटर्न टू F3, 0+3, 0+1, इट विल बिकम 1, 1+, यहां पर भी +1 है, सो इट विल बिकम 1+1, दैट इज 2, फिर 1+2+1, 3, एंड 3+1, इट विल बी 4. तो रिजल्ट आपका 4 आएगा. एंड इतना समझ में आया आपको कि रिपीट करूं, ये रिकर्सिव फंक्शन है. श्रेया मैम, जया मैम, इज इट क्लियर? चलिए, वेरी गुड. नाउ सी व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो जो सेकेंड आइटम लिखा हुआ है, इट इज योर कॉम्प्लेक्सिटी. सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव, सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, ठीक है, देखिए हर बार हो क्या रहा है, हियर यू आर डिवाइडिंग एन, है ना, फर्स्ट टाइम एन है, सेकेंड टाइम यू आर पासिंग n/2, थर्ड टाइम n/4, बिकॉज n/2 को अगेन डिवाइड कर दे रहे हो n/2 से, सो इट विल बी n/4, देन n बाय
एन बाय एट है ना। तो हर बार आपका जो ये डिवाइड फंक्शन है ये किस वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग बाय 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड सो ऑन। सो इट इज द टाइप ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपकी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लॉग 2n कॉम्प्लेक्सिटी। सो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस सर्किट सेटिस्फैक्ट्री प्रॉब्लम क्या होती है। गिवन अ बुलियन कॉम्बिनेशन सर्किट कंपोज ऑफ एंड और एंड नॉट गेट, इट इज सेटिस्फेबल। अ वन आउटपुट ऑफ बुलियन कॉम्बिनेशनल सर्किट इज सेटिस्फेबल मींस फॉर द गिवन इनपुट एंड आउटपुट विल बी 1। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट दिया हुआ है, सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम क्या एनपीसी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या ये एनपीसी प्रॉब्लम है, ये आपको बताना मुझे। क्या सर्किट सेटिस्फेबिलिटी जो प्रॉब्लम होती है हमारे लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, क्या ये एनपीसी प्रॉब्लम है, सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम। तो यहाँ आपको दी हैमिल्टोनियन, डायरेक्टेड शॉर्टेस्ट क्लिक, इंडिपेंडेंट, वर्टेक्स, सबसेट। ठीक है, सो बेसिकली जो आपकी सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम है इट इज ऑल्सो, ठीक है, इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, इट इज ऑल्सो एनपीसी प्रॉब्लम। यदि एनपीसी है तो वॉट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, देख लीजिए और मुझे एक बार आंसर करिएगा। अरे हमें नैपसेक प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करना था ना, आपने याद नहीं दिलाया। चलिए अभी इसके बाद कर लेते हैं नैपसेक प्रॉब्लम, मुझे लगा 2020 पूरा हो चुका है। सो हेयर वी हैव, वॉट शुड बी द आंसर। ऑप्शन 4 BCD। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ एनपीसी प्रॉब्लम। ये मैंने आपको हिंट दिया था कि जो सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम है, जो सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम है ये एनपीसी प्रॉब्लम है। तो मतलब सी तो करेक्ट है। अब आपको मैंने सिखाया है कि यदि कोई प्रॉब्लम एनपीसी है तो एनपीसी होता क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनपी एंड एनपी हार्ड, एनपी एंड एनपी हार्ड। तो यहाँ क्या दिया, द सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम बिलोंग्स टू क्लास एनपी। यस, एनपीसी है तो एनपी भी होगा, मतलब ए और सी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 6, नाउ एलिमिनेट दीज टू। ठीक है, इन दो को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बी करेक्ट है कि नहीं, सो द सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम इज एटलीस्ट एज हार्ड एज एनी लैंग्वेज इन एनपी। यस, ठीक है, इट विल बी अ सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनपी, है ना, ऐसा ही आप बोलते हो, क्योंकि हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनपी विल बिकम द एनपीसी। तो आप क्या बोल सकते हो कि द सर्किट सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम इज एटलीस्ट एज हार्ड एज एनी लैंग्वेज इन एनपी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि यस, ऑप्शन ए बी सी आपको मिल चुका है। नाउ हियर बी इज मिसिंग, इफ बी इज मिसिंग दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। द साइज ऑफ सर्किट थीटा स्क्वायर थीटा के स्क्वायर से गिवन होता है, एंड इफ पी इज नॉट एनपी दिस सिचुएशन वुड कॉन्ट्राडिक्ट द एनपी कंप्लीटनेस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यदि कोई प्रॉब्लम एनपीसी प्रॉब्लम है तो इट मे बी पी इज नॉट इक्वल टू एनपी। पी इक्वल टू एनपी कब होता है, पी इक्वल टू एनपी होता है इफ एनी प्रॉब्लम, इट कुड बी एनपीसी प्रॉब्लम और इट कुड बी एनपी प्रॉब्लम, इफ इट सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल टाइम, तब आपका पी इक्वल टू एनपी है ना। लेकिन यदि पी इज नॉट इक्वल टू एनपी है सो यस इट कैन बी एनपीसी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑप्शन ए बी सी इज करेक्ट,
देखिए इसको सॉल्व करिएगा, गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है? आप लोग बहुत इसको बिल्कुल ट्राई करिए। ओके, सो आंसर द प्रीफिक्स नोटेशन, ठीक है? इसके लिए प्रीफिक्स कैलकुलेट करना है। द प्रीफिक्स नोटेशन इज प्लस डिवाइड प्लस ए एस्टिक डी बी, ठीक है? ए एस्टिक डी बी माइनस ई एफ जी होगा। द प्रीफिक्स इज द रिवर्स ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर द सेम। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर सेम। ए करेक्ट है? अच्छा, इसका एक काम करिए, पोस्टफिक्स भी निकाल लीजिए, बाकी आंसर आपको मिल जाएंगे। यदि आपने प्रीफिक्स निकाल लिया है तो एक बार पोस्टफिक्स भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? सो हियर लाइक इफ आई एम सॉल्विंग ए प्लस बी, ठीक है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद डी, एक ब्रैकेट है डिवाइड, एंड देन यू हैव ई माइनस एफ ब्रैकेट क्लोज एंड इट विल बी जी। पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। क्या लिखना है? प्रीफिक्स ऑपरेशन। प्रीफिक्स ऑपरेशन क्या बन जाएगा? ए प्लस फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है? फर्स्ट ऑपरेंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बी डी, मल्टीप्लाइड बी डी एंड दिस इज द क्लोजिंग। देन इसको आप लिख सकते हो माइनस ई एफ प्लस जी, ठीक है? प्लस जी। देन वी हैव प्रीफिक्स फॉर दिस, इट विल बी प्लस ए, ठीक है? प्लस ए मल्टीप्लाइड बी डी विल बी एज इट इज, मल्टीप्लाइड बी डी आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ तो डी भी लिखा हुआ है, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी डी एंड देन डिवाइड माइनस ई एफ, ठीक है? माइनस ई एफ एंड जी। तो यहाँ आप क्या सॉल्व करोगे? इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा ना, तो यहाँ हटा दीजिए, ठीक है? सो इट विल बी माइनस ई एफ प्लस जी। नाउ वी हैव डिवाइड ऑपरेशन। तो डिवाइड आप ले आते हैं कहाँ? प्लस ए, दिस विल बी द फर्स्ट ऑपरेंड, दिस विल बिकम सेकेंड ऑपरेंड। सो प्लस ए मल्टीप्लाइड बी डी, ठीक है? मल्टीप्लाइड बी डी इट विल बिकम माइनस ई एफ एंड प्लस जी। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज सेकेंड ऑपरेंड। तो क्या लिख सकते हो? डिवाइड प्लस ए मल्टीप्लाइड बी डी माइनस ई एफ, प्लस सामने आ जाएगा, प्लस सामने आ जाएगा एंड जी। सो इट विल बी डिवाइड प्लस प्लस डिवाइड प्लस ए विल बी देयर। ये बस ए वाला सीक्वेंस गड़बड़ हुआ है, इट शुड बी बी डी, है ना? क्योंकि बी मल्टीप्लाइड डी है, सो इट शुड बी बी डी माइनस ई एफ जी होगा, ठीक है?
अब इन्होंने बोला प्रीफिक्स इज द रिवर्स, आपने पोस्टफिक्स निकाला क्या? नहीं, वो कंसीडर तो हम सेम ही करेंगे, बट करना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि उन्होंने नहीं मैम, ये सेम कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर डिवाइड का ऑपरेशन होता, मल्टीप्लाई के केस में तो आप चलो बोल दो कि डी और बी को मल्टीप्लाई करो, एक ही रिजल्ट मिलेगा, 4 को मल्टीप्लाई 2 करो या 2 मल्टीप्लाई 4 करो, रिजल्ट एक ही मिलेगा। बट सपोज यहाँ पर डिवाइड ऑपरेशन होता तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे ना कि 4 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 4, बोथ आर द डिफरेंट ऑपरेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है ना? अब आप इसका देख सकते हो क्या, रिवर्स द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द पोस्टफिक्स, है ना? क्या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन रिवर्स ऑफ पोस्टफिक्स है? सो अगेन हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव डिवाइड ई माइनस एफ प्लस जी, है ना? अब आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट यू विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, सो इट विल बी ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ए बनेगा, बी डी मल्टीप्लाई डिवाइड। एक काम करती हूँ, इसी पेज पर करती हूँ, तो उससे आप कंपेयर कर पाओगे, है ना? कंपैरिजन आपका हो जाएगा कि ये रिवर्स है कि नहीं, और हमारा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा क्या प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का रिवर्स होता है। तो आपने बोला कि यू हैव नोटेशन, नोटेशन क्या है, एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट ए प्लस, ठीक है, बी डी मल्टीप्लाई, पहले ही सॉल्व करते चल रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, देन हेयर आई विल राइट ई एफ माइनस, ठीक है, ई एफ माइनस एंड प्लस जी, ओके। नाउ अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, तो इट विल बी ए बी डी मल्टीप्लाइड प्लस एंड डिवाइड ई एफ माइनस प्लस जी, ठीक है? अब आपका डिवाइड सॉल्व होगा, फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड, सो हेयर वी विल हैव ए बी डी मल्टीप्लाइड प्लस एंड द सेकेंड ऑपरेंड इज ई एफ माइनस प्लस जी, नहीं सॉरी, हेयर यू विल हैव डिवाइड, है ना? ये आपका आपका क्या आ जाएगा, पोस्टफिक्स लिख रहे हैं ना, सो हेयर यू हैव माइनस, माइनस के बाद आ जाएगा डिवाइड, एंड दिस विल बिकम फर्स्ट ऑपरेंड एंड दिस इज सेकेंड ऑपरेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑपरेंड, है ना? तो ए बी डी मल्टीप्लाइड प्लस ई एफ, ठीक है, माइनस डिवाइड एंड जी प्लस, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। क्या ये रिवर्स है? तो यहाँ प्लस है फिर जी है, यहाँ प्लस है देन डिवाइड है ना? तो यस, द रिवर्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज नॉट द रिवर्स ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। अब द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड इन इनफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर सेम, तो ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन देखिए, प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पोस्टफिक्स में क्या आया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, वी हैव मल्टीप्लाई द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स, मैं ऑपरेटर देख रही हूँ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड ए बी डी, ए बी डी देन ई एफ एंड जी, यस सेम है, सेम है। नाउ ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड इन इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स तो हम कंपेयर कर चुके हैं, प्रीफिक्स भी देख लीजिए, सो ए बी डी ई एफ जी सेम है, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी ओनली, ठीक है? ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, सी एंड डी ओनली, हाँ वेरी गुड, हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया, तो ए सी डी, ए और बी करेक्ट, यस वेरी गुड मैम, आपने तो टाइम भी बचाया, सेव किया, सो हेयर वी हैव ऑप्शन सी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर, वेरी, ठीक है? चलिए नाउ सॉल्व दिस डिस्कास्टाज एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, वॉर्शल एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो एक बार कोशिश करिए मैच द टेबल परफॉर्म करने की।
यस ऑप्शन फोर यहाँ देखते हैं डिस्कास्टाज एल्गोरिथम ठीक है। कैलकुलेट द पाथ मैट्रिक्स, पाथ मैट्रिक्स फ्लॉइड वॉर्शल में कैलकुलेट होता है ठीक है। स्टोर द मिनिमम कॉस्ट एज, ये हम करते हैं क्रूस्कल में ठीक है। तो देखिए टू का ऑप्शन होगा डी, टू का ऑप्शन होगा डी, मेरा भी गलत आंसर हो सकता है ठीक है। तो आपने बोला द कैलकुलेट द पाथ मैट्रिक्स वन शुड बी वॉर्शल, सी इज वन ठीक है। सी आपका क्या बनेगा, यहां लिख देती हूँ, सी इज वन, देन स्टोर द मिनिमम कॉस्ट दैट इज द क्रूस्कल ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, टू, डी तो फिर तो मैच ही नहीं होगा। अच्छा क्रूस्कल इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पानिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट इज कौन स्टोर करता है, देन वी हैव डिस्कास्टाज एल्गोरिथम दैट स्टोर द टोटल कॉस्ट फ्रॉम द सोर्स नोड टू द करेंट नोड। ऑप्शन बी, बी इज यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पानिंग ट्री, क्योंकि D3 स्टोर द टोटल कॉस्ट, डी स्टोर द मिनिमम कॉस्ट इज। डिस्कास्टाज आप बोल सकते हो कि इट इज द एल्गोरिथम दैट स्टोर द टोटल कॉस्ट फ्रॉम द सोर्स नोड टू द करेंट नोड, है ना। ए टू सी का डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल कॉस्ट स्टोर करता है टू द करेंट नोड। नाउ प्रिम्स एंड क्रूस्कल बोथ आर यूज फॉर द फाइंड मिनिमम स्पानिंग ट्री, तो इसको भी छोड़ते हैं। जो वॉर्शल एल्गोरिथम है सी इट इज वन ठीक है, ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी इज वन दैट कैलकुलेट द पाथ मैट्रिक्स, है ना। आप इस तरीके से पाथ मैट्रिक्स बना रहे थे, आपको याद होगा पहले आपने D0 बनाया था, फिर D1, देन D2, है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपने पाथ मैट्रिक्स बनाए थे। सो वॉर्शल इट कैलकुलेट द पाथ मैट्रिक्स, सो ऑप्शन ए इज 3 एंड सी इज 1, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका यहाँ बनता है। अब इसमें बी का टू क्या लिख रहे हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम स्टोर द मिनिमम कॉस्ट एज एंड क्रूस्कल इट इज यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पानिंग ट्री। ओके सो आपका ऑप्शन बी होगा ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करिए। गिवन ग्राफ, पहले मैं ग्राफ बाद में बढ़ा करती हूँ। गिवन ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज कैन नॉट बी एडेड इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम स्पानिंग ट्री इन क्रूस्कल एल्गोरिथम, तो ये एजेस है ना। तो इन्होंने पूछा कि गिवन द ग्राफ बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज कैन नॉट बी एडेड इन ऑर्डर टू फाइंड द, बट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर और सीक्वेंस दिया है, किस सीक्वेंस में आप सिलेक्शन करोगे, इन एजेस का नामकरण कर दिया है ठीक है। एजेस ए बी सी बी डी एंड ई, ए बी को नाम दिया, ए बी ए है, डी एफ ठीक है, डी एफ कौन सा बन रहा है, डी एंड एफ इट इज योर बी ठीक है, ये बी है, देन यू हैव सी एफ, सी टू सी नहीं, सी इज बी एफ, बी से एफ, बी से एफ दिस वन ठीक है, ये आपकी सी है, फिर डी सी, डी टू सी ये आपकी क्या है, डी है, और डी टू ई, डी टू ई ए वाली ठीक है, ये आपकी क्या है, ई है। अब बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा, कौन सा ट्रैवर्सल अप्लाई करना है आपको, क्रूस्कल, क्रूस्कल अप्लाई करना है, किस सीक्वेंस में सिलेक्शन होगा।
ओके, आया आंसर. व्हाट कैन नॉट बी द सीक्वेंस टू, ऑप्शन टू. सो हेयर वी हैव, ठीक है, हेयर वी हैव, वी कैन स्टार्ट विद ए और वी कैन स्टार्ट विद बी, है ना. आप या तो ए से स्टार्ट करोगे बिकॉज वेट ऑफ ए इज वन और वेट ऑफ बी क्या है, वन है. तो ए और बी से स्टार्टिंग तो ठीक है ना, स्टार्टिंग ठीक किया. अब ए के बाद या तो आप बी लोगे या बी के बाद ए आना चाहिए. सो ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, बी ए, बी ए, यहां तक भी ठीक है. अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ सी इज टू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सी कितना है, टू, एंड द कॉस्ट ऑफ डी इज ऑल्सो टू, ठीक है. तो इधर आई कैन गो फॉर सी, इधर आई कैन गो फॉर डी, तो डी और सी, सी और डी. ऑप्शन थ्री, बी ए सी, सी ठीक है, डी ठीक है, किसी एक को ले सकते हैं. आफ्टर सी, यदि आपने सी लिया तो यू शुड टेक डी, और यदि आपने डी लिया है तो यू शुड टेक सी. बट सी के बाद डी वैलिड सीक्वेंस है, डी के बाद सी वैलिड सीक्वेंस है, बट सी के बाद ई इट इज इनवैलिड सीक्वेंस, ये आपका इनवैलिड सीक्वेंस बनेगा. एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन सी, गॉट इट, है ना. तो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा. नाउ सी, अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, नैपसेक, ठीक है, नैपसेक प्रॉब्लम. एनी आइडिया व्हाट इज नैपसेक प्रॉब्लम? एनी आइडिया कि नैपसेक प्रॉब्लम क्या होता है? ठीक है, तो कुछ वेट मेजर कर दे के डालना होता है शायद. ओके, चलिए, आप अप्रोक्सीमेटली सही हो. तो नैपसेक इट इज, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंपल नैपसेक प्रॉब्लम और इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम. फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमको इस एग्जाम में पूछा गया था, इट इज योर ग्रीडी अप्रोच. ठीक है, हम इसको किससे सॉल्व करते हैं, ग्रीडी अप्रोच से. फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि 0 एंड 1 नैपसेक गिवन होता, 0 1 नैपसेक का मीनिंग है कि सॉरी, इट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग. इसको हम सॉल्व करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं. ठीक है, अब एक्चुअली नैपसेक प्रॉब्लम है क्या? सो इन नैपसेक प्रॉब्लम वी विल हैव गिवन सम वेट, ठीक है, हमारे पास एक बैग है एंड दैट बैग हैव सम कैपेसिटी. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नैपसेक प्रॉब्लम व्हेन द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 15, ठीक है. तो सपोज करिए कि हमारे पास एक बैग है और इस बैग में हम मैक्सिमम जो वेट रख सकते हैं दैट इज 15 kg या 15 वॉट एवर इट इज, ठीक है. तो वेट इज गिवन हेयर. Now, with respect to every weight, हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर गिवन है. इफ यू आर टेकिंग 1 देन प्रॉफिट विल बी 6, इफ यू आर टेकिंग 9 देन प्रॉफिट विल बी 16, इफ यू आर टेकिंग 3 देन प्रॉफिट विल बी 9. तो इस तरीके से जब आप बैग को फिल कर रहे हो, सो आई कैन हैव, आई हैव टू सेलेक्ट द वेट सच दैट वी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, वी शुड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. दैट इज वॉट नोन एज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज वॉट नोन एज द ऑप्टिमल सोल्यूशन. ओके, समझ में आया? मतलब आपको वे बैग को इस तरीके से फिल करना है सो दैट यू शुड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. जब हम फ्रैक्शनल नैपसेक की बात करते हैं, वेन वी टॉक अबाउट द फ्रैक्शनल नैपसेक, इन फ्रैक्शनल नैपसेक, ठीक है, वी कैन कीप द पार्टीशन ऑफ फ्रॉम अदर पोर्शन. ठीक है, हम दूसरे बैग से कुछ पोर्शन रख सकते हैं. लेकिन जब आप बात कर रहे हो 0 1 नैपसेक,
ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर टोटल 9 यूनिट है, मैं चाहूँ तो बैग को फिल करने के लिए मेरे पास टोटल 9 केजी है, बट जो कैपेसिटी बचा है वो सिर्फ 4 केजी बचा है, तो आई कैन टेक द 4 केजी, ठीक है, इसलिए मैं इसको बोल देती हूँ फ्रैक्शनल, आई एम टेकिंग पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। बट इन 01 नैपसैक कंडीशन ये होती है, या तो आप उस वेट को कंप्लीटली लोगे या फिर बिल्कुल भी नहीं लोगे, ठीक है। हम इसका पार्शियल पोर्शन, जैसे 9 केजी में से 4 केजी मैंने लेकर बैग फिल कर दिया, बट इन 01 इट इज नॉट अलाउड, इधर वी विल टेक द कंप्लीट पोर्शन और वी विल नॉट टेक एनी पोर्शन, है ना। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, आपके फ्रैक्शनल नैपसेक एंड 01 नैपसेक में। ओके, तो अभी इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। फॉर अ नैपसेक प्रॉब्लम, पी एंड डब्ल्यू आर द प्रॉफिट, पी इज द प्रॉफिट एंड डब्ल्यू आर द वेट फॉर अ सेट ऑफ 7 आइटम, ठीक है। हमारे पास यहाँ 7 आइटम्स हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ, आई होप विजिबल होगा। सो पी इज इक्वल टू, इट इज 9, 5, 2, 7, 6, 1, 6 एंड 9, ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट। एंड द डब्ल्यू इज गिवन बाय 2, 5, 6, 11, 1, 9 एंड 3, 1, 2, 3, 4। यहाँ कुछ गलत किया क्या मैंने, इट इज 16 ना, 6 मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ सी, अब वर्किंग कैसे करना है, ठीक है। तो स्टेप वन आपका ये कहता है, स्टेप वन कहता है कि फाइंड प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो, ठीक है, हमको प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो कैलकुलेट करना है टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो प्रॉफिट अपॉन वेट मतलब पी अपॉन डब्ल्यू, पी अपॉन डब्ल्यू लाइक पी अपॉन टू, 9 अपॉन 2 लिखना, एक बार लिख देती हूँ। तो 9 बाय 2, फिर 5 बाय 5, फिर 2 बाय 6, फिर 7 बाय 11, देन 6 बाय 1, देन 1 बाय 9, देन 16 बाय 9 एंड देन 9 बाय 3, है ना। तो P अपॉन W आपको क्या मिलेगा, हेयर 4.5, 5 अपॉन 5 इज 1, 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6 विल गिव यू 1.33, ठीक है, 0.33। 7 अपॉन 11, 7 अपॉन 11 यू कैन से 0.63, मैंने भाई कैलकुलेट करा था ये, है ना, मेरे पास डेटा है। 6 अपॉन 1 इट इज 6, 16 अपॉन 9 1.77 एंड 9 बाय 3 इज 3, है ना, ये आपको मिला प्रॉफिट अपॉन वेट का रेशियो। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू में आपको ये रेशियो को, ठीक है, रेशियो को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो व्हेन यू विल अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है, मैं हाईलाइट करते जाती हूँ, लिखते जाती हूँ, सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 6, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं अभी, हाँ। फिर सेकेंड वैल्यू आपका क्या है, 4.5, 4.5 एंड इट इज 9.9 बाय 2 से मिला था द सेकेंड वैल्यू। इसके बाद आपको मिलेगा 3, है ना, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इट शुड बी 3, सो हेयर यू हैव 3, 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ मैं 3 लिखा है, इसको एक काम करूँ, गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। सो इट इज योर 9 बाय 3 एंड इट इज द थर्ड वैल्यू, ठीक है, थर्ड आपने लिया 3। आफ्टर 3 नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3, फिर 1.77, 1.77 मतलब 16 बाय 9, है ना, 16 बाय 9 इट इज 4, देन 0.6 नहीं, 1, 1 विल बी देयर, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग सीक्वेंस, तो 1 विल बी देयर, तो 1 आ जाएगा आपका किस, कौन से नंबर पर है, 1, 5 बाय 5, ठीक है, सो इट विल बी 5th, 1 इज 5th, देन यू हैव 0.63, 0.63,
ठीक है, ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, 6 नंबर, एंड लास्ट वन इज 0.33, 0.33, ठीक है, इतना समझ में आया, ये आपका हो गया 7th नंबर, है ना। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई विल स्टार्ट विद द मैक्सिमम प्रॉफिट, और उसके वेट से आगे बढ़ूंगी, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर है 6, ठीक है। तो 6 प्रॉफिट के लिए वेट कितना है, देखो मैंने नंबरिंग इसीलिए किया था सो दैट मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊं 6 प्रॉफिट के लिए वेट कितना है। इट इज द वेट इज 1 एंड प्रॉफिट इज 6, ठीक है, वेट इज 1, प्रॉफिट इज 6। तो प्रॉफिट यहाँ लिख देती हूँ, वेट अंदर डाल देती हूँ, वेट हमारा कितना जा रहा है 1 kg, और उस पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है 6 का, वेट अंदर कितना जा रहा है 1 kg, और प्रॉफिट कितना मिल रहा है 6 का। नेक्स्ट वेट 4.5, 4.5 के लिए आप देखो वेट कितना जाएगा 2, विद इन द कैपेसिटी 2, एंड प्रॉफिट कितना हो गया 9, प्रॉफिट हुआ 9। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 3, 3 के लिए वेट कितना बना 3, ठीक है, अभी कितना हुआ 1 + 2 + 6, अभी कैपेसिटी है भाई 15 kg का बैग है, अभी हमने सिर्फ 6 kg डाला है, तो 3 के लिए प्रॉफिट कितना था 9, 9 ऐड कर दीजिए। देन नेक्स्ट 1.77, 1.77 मतलब ये हो गया आपका 16/9। क्या मैं ये 9 kg पूरा डाल सकती हूँ, कैन आई पुट ऑल दीज 9 kg, सो 1 + 2 + 3, 6 इज देयर, और 9 और डालोगे तो 6 + 9, यस बैग इज गोइंग टू बी फिल्ड, एंड 9 kg पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो 16 का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको टोटल कर दो, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 6 + 9 15 + 16 31 + 9 40 इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, 40 विल गिव यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर नैपसेक प्रॉब्लम व्हेन द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 15। गॉट इट, वर्किंग समझ में आई, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 15। है ना, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, हेयर यू हैव इट विल बी 40, ठीक है, ये आपका अप डाउन हो गया है, तो कोई ये हो गया। चलिए अब इन्होंने क्वेश्चन चेंज किया, है ना, नैपसेक प्रॉब्लम ही है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम यू कैन कैरी इफ द मैक्सिमम वेट इज 25 इन द फ्रैक्शनल नैपसेक, ठीक है। तो अगेन आपको क्या करना है यहाँ पर, नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर 25, ठीक है, बैग की कैपेसिटी चेंज कर दी ना, लास्ट क्वेश्चन में बैग की कैपेसिटी कितनी थी, इट वॉज लास्ट लास्ट क्वेश्चन में बैग की कैपेसिटी थी 15, नाउ द कैपेसिटी ऑफ बैग इज 25, ठीक है, कैपेसिटी आपकी कितनी होगी 25 होगी। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मैं इसको थोड़ा सा अप लेकर आ रही हूँ, क्योंकि देखिए ये कुछ वैल्यू है जिनको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आप यदि कंपेयर करेंगे तो जो जो प्रॉफिट गिवन है वो सेम है और जो वेट गिवन है वो सेम है, सिर्फ इन्होंने चेंज कहाँ किया कि जो वेट ऑलोकेशन है, जो वेट ऑलोकेशन है वो 25 kg कर दिया, है ना। तो अब हम क्या करें, हम टाइम बचाने के लिए जो आपने पी अपॉन डब्ल्यू कैलकुलेट करके रखा है, और 15 kg तक आपने बैग में कैपेसिटी डाल चुके हो, उतना तो होल्ड कर ही लेते हैं, है ना, क्यों टाइम खराब करें, क्योंकि इतना तो समझ में आया कि बैग में अब मुझे 25 kg तक ले जाना है, और अभी मेरा बैग कितना फिल हो चुका है टिल नाउ, है ना। मैं एक और, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि शुरू से बताऊं, है ना, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर दें, क्योंकि आपने प्रॉफिट अपॉन डब्ल्यू, हाँ प्रॉफिट अपॉन डब्ल्यू रेशो निकाल, प्रॉफिट अपॉन वेट रेशो निकाल के रखा हुआ है, बस अब आपने कैपेसिटी कहाँ तक फिल कर लिए, 20 15 kg तक, है ना। उसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं,
सो 15 केजी तक आपने देखा कि जो वेट आपने सिलेक्ट किया था, ठीक है, फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ, वेट जो हमने सिलेक्ट किया था इट वाज 1 + 2 + 3 + 9, 15 केजी था। प्रॉफिट कितना हो चुका था? प्रॉफिट हमारा हो चुका था टू सॉरी इट वाज 6 + 9 + 16, ठीक है, 6 + 9 + 16, ओके। यहाँ कैपेसिटी है 1 + 2 + 3 + 9, स्टिल 10 केजी इज लेफ्ट। नाउ देखिए, अब आपका नेक्स्ट प्रॉफिट वैल्यू क्या है? 1। 1 आपको किससे मिला था? 5/5 से। तो एडिशनल कैपेसिटी आप जो डाल सकते हो यहाँ पर 5 केजी की डाल सकते हो, है ना। तो अब कितना हुआ? इट विल बी 15 + 5, 20 केजी। 20 केजी, 5 जब आपने वेट डाला तो प्रॉफिट कितना हुआ? +5, इसको +5 कर दो, इसको भी +5। अच्छा अब देखो नेक्स्ट वेट क्या है? नेक्स्ट है 0.63। 0.63 सिक्स्थ नंबर का, सिक्स्थ नंबर पर टोटल वेट कितना है? 11, ठीक है, सिक्स्थ नंबर पर टोटल वेट है 11, बट मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है? सो आई जस्ट वॉन्ट 5 केजी। आई जस्ट वॉन्ट 5 केजी, एंड सिंस इट इज फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम, ये फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम है, आई कैन टेक 5 केजी आउट ऑफ 11। मैं 5 केजी ले सकती हूँ, तो जो प्रॉफिट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो 5/11 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 5/11 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी द प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि 11 यूनिट का प्रॉफिट इन्होंने बताया 7 है, 11 यूनिट का प्रॉफिट कितना है? 7 है, तो आउट ऑफ 11 5 यूनिट का प्रॉफिट कितना होगा वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। गॉट इट? तो हमने यहाँ सिर्फ 5 केजी एडिशनल लिया, इट विल बी 1 + 2 6 + 9 = 15 + 5 = 20 एंड 25, बैक फेल हो गया, बैक इज फेल्ड, बट प्रॉफिट का क्या होगा? भाई 11 यूनिट का प्रॉफिट 7 है, 11 यूनिट का प्रॉफिट 7 है, सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ 5 यूनिट? सो 11 यूनिट में से सिर्फ 5 यूनिट ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, सो नाउ यू विल हैव 6 + 9 + 9 + 16, ऑलरेडी 40 हो चुका था, ये 5 ही रहेगा, 45 तक लिख लेती हूँ, ठीक है, इट विल बी 45, और 45 प्लस 5/11 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 35/11, है ना, 35/11 या अप्रोक्सीमेटली 3.2 समथिंग, सो 3.1 समथिंग, ठीक है, 3.1 समथिंग, सो आंसर क्या हो जाएगा? 48.1 समथिंग, समझ में आया? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 48.1, ओके श्रेया मैम, जया मैम, इज इट क्लियर? हमने सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल वही सॉल्यूशन है। वेरी गुड। ओके अभी क्लियर है ना वॉइस? हाँ ओके। नाउ सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल रहता है, दैट इज व्हाट व्हाट इज द, देखिए नैपसेक प्रॉब्लम इज गिवन, ठीक है, नैपसेक प्रॉब्लम इज गिवन, द इफ अ न्यू आइटम पी इक्वल टू 5, प्रॉफिट इज 5 एंड वेट इज 2 is added in the list. Total item is 8 and the capacity is 25. Then the best case complexity of the knapsack बताना है, ठीक है?
तो बेस्ट केस टाइम देना है, कॉम्प्लेक्सिटी देना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी देना है। याद रखिएगा, हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, हियर वी शुड नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नैपसेक प्रॉब्लम। तो जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है नैपसेक की, ठीक है, वो यहाँ पर होती है एन लॉग एन, इट इज एन लॉग एन। एन एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो बस नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया, 8, लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 8, ठीक है। आपको पता है लॉग ऑफ 8 कितना होता है, फिर भी बता देती हूँ, इट विल बी लॉग 2 पावर 3, या ये चीज हो जाएगी लॉग, सॉरी सॉरी, 8 इंटू 3 लॉग 2, और लॉग 2 का मतलब होता है 1, सो 8 इंटू 3 इज 24 इज द आंसर, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 23, कॉम्प्लेक्सिटी निकालना था, फिर से कैलकुलेशन नहीं करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि भाई जो नैपसेक प्रॉब्लम है ये, इसमें 7 आइटम है, द मोस्ट इफिशियंट सॉल्यूशन फॉर फ्रैक्शनल नैपसेक विद द मैक्सिमम कैपेसिटी कैन बी ऑप्ट यूजिंग, ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसेक में, फ्रैक्शनल नैपसेक विद मैक्सिमम कैपेसिटी, कौन सी अप्रोच होती है फ्रैक्शनल नैपसेक, ये तो आप आंसर कर सकते हो। फ्रैक्शनल नैपसेक इज डिवाइड एंड कॉन्कर, इट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इट इज ग्रीडी एल्गोरिथम और बैक ट्रैकिंग। यस, ग्रीडी, इट इज ग्रीडी अप्रोच मैम। नैपसेक, फ्रैक्शनल नैपसेक ग्रीडी अप्रोच होती है, फ्रैक्शनल नैपसेक ग्रीडी अप्रोच होती है, और 0-1 नैपसेक ये आपकी डायनेमिक अप्रोच होती है, ठीक है, ये आपकी डायनेमिक अप्रोच होती है, ओके। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो 0-1 नैपसेक इज अप्लाइड फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट फ्रैक्शनल नैपसेक कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द प्रॉब्लम मीट द सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो 0-1 नैपसेक है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दे गिव द सेम सोल्यूशन, नो द डिफरेंट सोल्यूशन विल बी देयर। वी यूज द ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर 0-1, नो, अपोजिट लिखा है, ठीक है। 0-1 नैपसेक आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, एंड फ्रैक्शनल नैपसेक आपकी ग्रीडी अप्रोच है। ऑप्शन 4, इन 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम आइटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पोर्शन, अभी आपको बताया था। इन फ्रैक्शनल नैपसेक वी कैन डिवाइड द आइटम इनटू द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, अभी हमने किया ना, 11 बाय 11 में से सिर्फ 5 kg ले लिया, तो 5 बाय 11, और प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। सो इन फ्रैक्शनल नैपसेक वी कैन डिवाइड द आइटम इनटू द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आंसर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ओके। सो दिस इज योर नैपसेक प्रॉब्लम। 0, ये कौन सा था, फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम था, ये आपका था फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम। नेक्स्ट पेपर हम स्टार्ट करेंगे जून 2020, ठीक है, कर ही देते हैं, एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइएगा। कंसिडर द हैश टेबल ऑफ साइज 11 दैट यूज द ओपन एड्रेसिंग इन लीनियर प्रोबिंग। एच ऑफ के इज के मॉड 11 गिवन है, ठीक है, एंड द रिकॉर्ड दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट इज 43, 36, 92, 87, 11, 47, 11, 13 एंड 14। इनिशियली एम्प्टी हैश टेबल, द बिन्स इन विच ऑफ विच आर इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to 10, द इंडेक्स ऑफ द बिन इन टू विच द लास्ट आइटम विल बी इंसर्टेड।
यस, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मैम, आपका हुआ सेवन इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे सॉल्व करना है। वी हैव टोटल स्पेस, ठीक है, टोटल स्पेस कितना है, 11 है। इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ 43 मॉड 11, 43 मॉड 11 आपको पता है, इट विल गिव यू 2, है ना। 43 इट नॉट 2, इट विल बी 33। 33 मतलब हो गया 10, तो 43 कहाँ पहुंच गया, 10 पर, सॉरी। नाउ 33 मॉड 11, 36 मॉड 11, अगेन इट विल बी 33, डिफरेंस बनेगा 3 का, सो ये आपका आ गया 3 पर, ठीक है, 36। 92, 88, 88 मतलब 4, तो ये 92 हुआ। 87 मतलब 77, द डिफरेंस इज 10, 10 ऑक्यूपाइड है तो फर्स्ट पोजीशन पर डाल दीजिए। देन 11 मॉड 11 विल बी 0, बट हम यहाँ डाल देते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। ए पी वाई क्यू है, यदि आपको याद हो तो ये गेट का क्वेश्चन है। 47 मॉड 11 विल बी 44, 44 मतलब बचा 3, 3 ऑक्यूपाइड है, 4 ऑक्यूपाइड है, सो 47 एट बी एट फिफ्थ लोकेशन। अगेन 11 मॉड 11, सो इट विल बी 0, 1, 11, ठीक है। देन 13 मॉड 11 इट विल बी 2, 2 ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर डाल दीजिए। देन 14 मॉड 11 मतलब 3, 3 ऑक्यूपाइड है, मतलब 7th लोकेशन पर डाल दीजिए। सो यस, योर आंसर विल बी 7, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 7। चलिए वेरी गुड। हाँ, ये आया क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन टी एन 3t n/4 प्लस एन लॉग एन। जल्दी से आंसर बताइए, मास्टर थ्योरम अप्लाई करना है, मास्टर्स थ्योरम से। ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, एफ एन है एन लॉग एन, एफ एन है एन लॉग एन, एन पावर लॉग ए बेस बी। ठीक है, क्या आएगा, लॉग 3 नहीं बन रहा। देखिए मैम क्या है, यहाँ पर जब आप एन पावर लॉग 3 देखोगे, ठीक है, इट इज एन लॉग 3 बेस 4। नाउ वैल्यू ऑफ बेस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द लॉग, है ना, जिसका नंबर ए निकालना है, जिसका लॉग निकालना है, बट उससे ज्यादा बेस वैल्यू है। तो इस केस में जो वैल्यू होती है इट इज लेस देन 1 होती है, क्योंकि देखो आप नहीं बन रहा, चलो छोड़ो, आपको इतना पता ना कि यदि मैं लॉग 4 बेस 4 लिख दूं, यदि लॉग 4 बेस 4 लिख दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऑब्वियसली इफ आई एम सेइंग लॉग 2 बेस 4 या इफ आई एम सेइंग लॉग 3 बेस 4, इट विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब एन पावर समथिंग 0 पॉइंट समथिंग होगा, या एन पावर 0 को हम क्या एज्यूम करते हैं, इट विल बी 1, है ना। एन पावर 0 मतलब क्या हो जाता है, इट विल बी 1, ओके, या आप चाहो तो इसको 1 भी एज्यूम करो तो भी ये क्या मिल रहा है आपको, एन एन मिलेगा। सो इन दिस केस यू हैव एफ एन इज ग्रेटर देन एन पावर लॉग ए बेस बी, एन पावर लॉग ए से ग्रेटर है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी, टी एन ऑफ थीटा ऑफ एफ एन,
एफ एन क्या है भाई अपना? अपना एफ एन है थीटा ऑफ एन लॉग एन। क्लियर हुआ मैम कॉन्सेप्ट? है ना? तो यस आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है चलिए अब मिलते हैं 6:30 पर। जो मिसलेनियस टॉपिक है उनको कंप्लीट कर ले। एंड हाँ 8:30। ठीक है चलिए चलिए। थैंक यू।